अस्सलाम वालेकुम। ऑक्यूपायर लाइबिलिटी क्या होती है? ऑक्यूपायर कहते हैं कोई भी आदमी ओनर हो किसी चीज के ऊपर, उसका ऑक्यूपाई माने कब्जा रखना। जैसे मैंने इस ग्लास के ऊपर देखें कब्जा रखा है, नहीं ऑक्यूपायर हूँ। तो किसी ऑक्यूपायर जो होता है किसी बिल्डिंग पे भी हो सकता है, किसी ग्लास पे हो सकता है, कि मशीन पे हो सकता है, गाड़ी पे हो सकता है, ठीक है ना। किराएदार भी ऑक्यूपायर हो सकता है, क्योंकि अगर किराएदार घर में रहता है तो मालिक मकान ऑक्यूपायर नहीं है, किराएदार ऑक्यूपायर है। कंपनी के अंदर मैनेजर ऑक्यूपायर होता है, मालिक घर में होता है, मैनेजर कंपनी चला रहा होता है, डायरेक्टर कंपनी चला रहा होता है, सीईओ कंपनी चला रहा होता है, ठीक है ना। लीज में आप गाड़ी बैंक दे देती है, आपके पास गाड़ी होती है, ऑक्यूपायर आप होते हैं, बैंक नहीं होता, हालांकि मालिक होता है गाड़ी का। प्रिंसिपल ऑफिसर कंपनी के अंदर होता है, वो कंपनी चला रहा होता है, मालिक नहीं चला रहे होते, मालिक घर पे बैठे हुए होते हैं। तो इनकी कोई जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां हैं कि इनकी जो भी चीज उनके कब्जे में है उससे किसी आउटसाइडर को नुकसान ना हो, कोई चोट ना लगे, विजिटर को कोई तकलीफ ना हो। मिसाल के तौर पर कुत्ते के ऑक्यूपायर हैं आपके पास है, उस आपके घर में है, वो कोई आदमी आया उसने काट लिया, तो इसका मतलब आप गलत, आपने नुकसान किया ना किसी दूसरे को, किसी विजिटर को, या कोई ट्रेसपास करता है, इवन कोई एकदम से आ जाता है आपके पास, एक पुलिस वाला आ जाता है आपके घर में एकदम से, उसे कुत्ता काट लेता है, तो इसका मतलब है कि ट्रेसपास ऐसे कहते हैं जब कोई आदमी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हो जाए, ऐसे कहते हैं ट्रेसपास, ठीक है ना, बगैर इजाजत के। तो पुलिस वाला तो दाखिल हो सकता है ना आपके घर में बगैर इजाजत के, तो अगर उसे कोई नुकसान हो जाता है तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है। तो आपके पास जो भी कोई चीज़ हो आप उसकी हिफाजत करेंगे, ये आपका फर्ज बनता है, और उससे उस प्रॉपर्टी से किसी आउटसाइडर को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी घर की शक्ल में हो, गाड़ी की शक्ल में हो, जानवर की शक्ल में हो, जो भी हो, वो अगर आपके कब्जे में है तो आपके उसके आप उससे दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, लॉ ये कहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।